नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। मिठुन कुमार यादव, आप कहां से आते हो? गेट। अच्छा, यहां क्या मिलता आप लोग को? सर यहां मतलब गरीब जो है वहां यहां से खाना ले जाके गरीबों को खिलाते हैं। जो आदमी खाना मिलता है सर? 50 आदमी लगभग। और ये खाना किसके तरफ से मिल रहा है? सर ये नियामतपुर चैम्बर का है। जानो की भैया। अच्छा, अपने थाकन को था? नियामतपुर डेडीग्राम। अच्छा, এখান থেকে মানে কি নিয়ে যান? এখান থেকে খাবার নিয়ে যাচ্ছি। কতজন খাবার নিয়ে যাচ্ছে? 60-70 জন। আচ্ছা, এটা ব্যবস্থা কি কি করছে? এই যে এখানকার কমিটির লোকরা। ভালো করছে না? नाम सर? मेरा नाम गोपाल लाल बर्नवाल। आप कहाँ रहते हैं? चिनाकुड़ी 3 नंबर। अच्छा, यहाँ से मैंने क्या चीज़ लेके जा रहे हैं? हम यहाँ से गरीब आदमी लोग के लिए सब्जी भात, कभी पूड़ी सब्जी बनता है, कभी खिचड़ी बनता है, ले जाते हैं। और जिन लोगों का घर में खाने का अवस्था खराब है, उन लोगों का घर घर जा करके हम पहुँचाते हैं। कितने दिनों से लेके जा रहे हैं? ये 1 महीना से। अच्छा, लगभग 1 महीने से। मैंने आप यहाँ आते फिर सामान लेकर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हाँ, यहाँ से लेके जाते हैं और सब जगह खाना जिसको जिसको हमको जानकारी है किसके यहाँ खाना उपलब्ध नहीं है या दोपहर का सुबह का खाना उसको कमी है, उसके यहाँ दिन भर का एक बार का दोपहर का खाना भरपूर उसको दे देते हैं। एक ही परिवार को देते हो ना, अलग भी परिवार में कुछ लोग रहते हैं? नहीं, देखिए जैसे चिनाकुड़ी 3 नंबर में ऊपर धौड़ा में कुछ है, आपका डीपीएस मोड़ में कुछ है, उसके बाद शीतलपुर बाजार में देते हैं, और लास्ट में शीतलपुर 4 नंबर कुलेरी का बगल में केवड़ा पाड़ा है, वहाँ अगर यदि आप लोग जा करके देखिएगा तो पता चलेगा कि गरीबी किसको बोलता है। एक बार मेरा गाड़ी का हॉर्न जब बजता है तो एक साथ में औरत मर्द, जवान मर्द, बूढ़ा जितना है सब एक लाइन में थाली कटोरी लेकर के खड़ा हो जाता है। आज का कुलटी क्षेत्र में सबसे दयनीय अवस्था उस गाँव में हम देख रहे हैं। क्या नाम गाँव का? केवड़ा पाड़ा, शीतलपुर। कौन सा वार्ड है? कृष्णा मांझी वार्ड है। और ये इसके लिए हम सूर्या मंदिर को धन्यवाद देते हैं कि नियामतपुर चैम्बर्स के तरफ से गुरविंदर जी ने हम लोगों को सहयोग दिया कि भाई आप लोग गरीब आदमी का खाना जो है उपलब्ध हम करा देंगे, आप ले जाइए। तो नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तरफ से खाना यहाँ सूर्या मंदिर में बन रहा है और हम लोग यहाँ पर ले जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जावेद खान है। कहाँ रहते हो? अकवन बगान कब्रिस्तान के पास। यहाँ मैंने क्या करते हो? यहाँ आके खाना ले जाते हैं। अच्छा, कितने लोग खाना लेके जाते हैं? 12 आदमी का। अच्छा, फिर वहाँ खाना बांटते हैं? नहीं, बांटते नहीं, मेरे पूरे परिवार हम लोग 12 आदमी में, जो बिहार से हम लोग 6 आदमी फंसा हुआ है। अच्छा, ठीक है, 6 आदमी हम लोग है। लॉकडाउन में तो काम धंधा हम लोग बंद पड़ा हुआ है, कुली कवाड़ी का हम लोग काम करते हैं, कुली कवाड़ी में अभी बंद पड़ा हुआ है। तो हम लोग एडीओ को फ़ोन किए थे, डीएम को, तो डीएम से फिर थाना में हम लोग को फाड़ी में हमारा नाम पता दिया, फिर उसके बाद बड़ा बाबू हम लोग को बुलाए, बुलाने के बाद अपना दुख सुनाए कि हमारा 6 आदमी बिहार का फंसा हुआ है, 6 आदमी हम लोग हैं, खाना मेरा घर भूखा मर रहे हैं। तो बड़ा वो फिर यहाँ का पता दिए, फिर यहाँ से हम लोग 18 तारीख से हम खाना ले जा रहे हैं एक टाइम का। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। अच्छा, ये सूर्या मंदिर आप लोग क्या कर रहे हो? ये एक्चुअली नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा पिछले 30 दिनों से, क्योंकि सारे संसार में आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना वायरस का एक कहर है और लोग बहुत दुखी हैं, और जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग थे उनका सारा काम बंद हो चुका है और धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। जो मिडिल क्लास है वो और ज़्यादा प्रभावित है, तो बहुत तरह के लोगों को राशन भी दिया जा रहा है राजनीतिक पार्टी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पर फिर भी वो पूरा सफिशेंट नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ लोगों का राशन कार्ड भी नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भोजन की, तो हम लोग भोजन पका कर यहाँ पर उनके पास पहुँचा रहे हैं। और तकरीबन 1200 से 1300 लोगों को स्टार्टिंग कब से किया था? ये 30 अप्रैल को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सिस्टम 30 मार्च को खाना बना के आप लोग डोर टू डोर पहुंचाते हैं? डोर टू डोर हम लोग पहुंचा रहे हैं। कौन कौन एरिया में खाना जा रहा है? ये चलबरपुर आपका धौड़ा पाड़ा है, उसके बाद में नया पाड़ा, आलडी, बेजडी, शीतलपुर, चीनाकोड़ी, अपकन बगान, और इधर लच्छीपुर गेट, कुमार बांध, डेडीग्राम, हर एक जगह के लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है। वो कार्यकर्ता आते हैं, भोजन ले जाकर वहाँ पर बांट देते हैं और हम लोग को वीडियो करके भेजते हैं ताकि सही जगह में भोजन मिल रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। आपका लक्ष्य बड़ा है और मुसीबत की घड़ी में आप लोगों के पास खड़े हो, इसके बाद मैंने ये कब तक जारी रहेगा आपका? ये 3 तारीख तक तो लॉकडाउन है, उस तक तक हम लोग जारी रखेंगे, और उसके बाद हम लोगों की जो पूरी नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम है ये बैठेगी, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको बढ़ाया जाए।
इसमें और किन किन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? नवापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने पदाधिकारी हैं उनका सपोर्ट है, हमारे तारू प्रसन्न घाटी हैं जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर हैं और सीनियर मेंबर हैं, हमारे विनोद गुप्ता जी हैं, गोपाल परनवाल जी हैं, गणेश परनवाल जी हैं, नारायण ठाकुर जी हैं, हमारे मिश्रा जी हैं और भी जितने कार्यकर्ता हैं, वो लोग तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं क्योंकि रोज 1.5 क्विंटल चावल बना के लोगों तक पहुँचाना एक छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा तप है और ये बिना सबके सहयोग से नहीं हो सकता। लोग बहुत तरह की बातें करते हैं पर हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि लोगों को एक टाइम का भोजन कम से कम जरूर मिले। और इसके अलावा हम लोगों ने कई लोगों के घर में राशन भी पहुँचाया है, 5-5 किलो राशन। FDO साहब से भी फोन आया था, हम लोगों ने चलबरपुर में भी जाके कुछ परिवारों को राशन दिया और भी बहुत जगह हम लोग परसों हम लोगों ने जो न्यूज़पेपर बांटते हैं होकर उनको भी राशन दिया है और हम लोगों का लक्ष्य और बड़ा है, जिनको भी जरूरत पड़ती है वो हमें फ़ोन करते हैं, बिना किसी न्यूज़पेपर के चर्चा के अलावा हम लोग वहाँ जाकर देकर आते हैं। मेरा नाम नारायण ठाकुर, कहाँ रहते हैं? हम नियामतपुर शांति नगर। हम लोगों ने देखा कि आप भूखे हो, खाना खिला रहे हो, ये कंसेप्ट आपको मन कब आप कैसे आया? ये कंसेप्ट आने का दो ठो मने ये है, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, एक तो स्वयं अपने से आवेदन किए, हमारी CM जो है वो खुद आवेदन कर रही है कि मन निसहायों को हेल्प करते रहिए। इसके तदुपरांत हम लोग निरंतर लॉकडाउन के बाद जो हमने दूसरा दिन जो देखा, जो मजदूरों की दयनीय स्थिति देखे, जो बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे और औरत का जो दयनीय स्थिति देखे, वो देख करके मन में जिज्ञासा हुआ क्यों नहीं क्या करते हैं, अपना पेट तो कोई भी पाल सकता है, दूसरों का भी तो मन कम से कम सहारा बन सकते हैं हम लोग। इस टाइप से हम लोग प्रेरणा पा करके ये हम लोगों का 30 तारीख से हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं। मेरा नाम नारायण ठाकुर और ये निरंतर हम लोग 300-400 आदमी से स्टार्ट किए थे, अभी 1200-1300 आदमी हो गया। हम लोग स्टार्टिंग जो है सो स्टार्टिंग हम लोग देते हैं चलबलपुर भुइयां पाड़ा, वहाँ 250 में हम लोग प्रथम दिए थे, स्टार्टिंग जो किए थे पूड़ी सब्जी से स्टार्टिंग किए थे, 3 दिन चलाए, 4th दिन हम लोग दाल भात सब्जी बना के दिए जो सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए कि ट्रांसपोर्टिंग में दिक्कत हुआ, दाल उलट गया। इसके बाद हम लोग 3 दिन बिरयानी दिए, वेज बिरयानी दिए, उसके बाद फिर हम लोग खिचड़ी दिए, फिर भात सब्जी हम लोग तरह तरह का डेली डेली जो है सो सब्जी आइटम चेंज कर करके हम लोग चलाते जा रहे हैं।